केंद्र के सत्ताधारी बीजेपी का पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर है। पार्टी इसके लिए मिशन साउथ में जुटी हुई है और इसके तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे से केरल के पलक्कड़ में रोड शो कर रहे हैं। इसके बाद पीएम एक और मिशन के लिए तमिलनाडु जाएंगे और दोपहर 1 बजे सूबे के सेलम में एक रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने केरल के पालकड़ में फूलों से सजे खुली छत वाले वाहन में कोट्टा मैदान अजुविलकालू में सुबह करीब 10:45 पर रोड शो शुरू किया और उनका काफिला शहर में हेड पोस्ट ऑफिस की ओर बढ़ा। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचे थे। भाजपा समर्थकों समेत हजारों लोग फूल माला, पार्टी के झंडे, मोदी के पोस्टर और पार्टी की टोपियां पहने 1 किलोमीटर के रोड शो मार्ग के दोनों ओर कतारबद्ध खड़े रहे। रोड शो के इस मार्ग से गुजरने पर सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों को मोदी भारत माता की जय, मोदी जी स्वागतम और मोदी की जय के नारे लगाए और पुष्प वर्षा भी की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। 19 मार्च को सुबह केरल के पलक्कड़ में रोड शो करने के बाद वे तमिलनाडु के सेलम पहुंचे, यहां भी उन्होंने रोड शो किया। में मुझे अनेक बार तमिलनाडु आने का सौभाग्य मिला, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयम्बटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है।